आज इस महंगाई के दौर में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। बावजूद इसके हर माँ बाप की यही इच्छा है कि उसका बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करे ताकि बड़ा होकर अच्छी सी नौकरी या व्यापार करे। ऐसे में समाड़खा के जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर देवेंद्र आर्य एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जहां केजी से लेकर 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि शिक्षा के साथ साथ पैसा कमाने का अवसर भी है। आशादीप स्कूल के पूर्व संचालक देवेंद्र आर्य ने आज अपने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का समालखा में शुभारंभ किया। इस मौके पर इंडिया की दहाड़ चैनल संवाददाता विनोद लाहौट ने ई लर्निंग पाठशाला की संचालक टीम से इस प्रोजेक्ट को लेकर खास बातचीत की। पेश है एक रिपोर्ट। लर्निंग के साथ अर्निंग, यानी शिक्षा के साथ आप पैसा भी कमा सकते हैं, कैसे? आज ऐसा ही एक कॉन्सेप्ट समालखा में देखने को मिला है कि किस तरीके से हमारे बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ केजी से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चे शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ पैसे भी कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, इस कॉन्सेप्ट के जो कुछ हमारे जो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आए हैं ई लर्निंग पाठशाला, उसके डायरेक्टर और उनकी टीम हमारे साथ खड़ी है, जानते हैं ये कॉन्सेप्ट के बारे में। देवेंद्र आर्य जी इस कॉन्सेप्ट के डायरेक्टर हैं। सर, आप तो आशादीप सीनियर सेकेंडरी स्कूल चला रहे थे, बहुत अच्छा आपका चल रहा था और वहाँ से आपके काफ़ी बच्चे जो है जानवी, कौटिल्य और कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है ख्याति प्राप्त की है, फिर इस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या, कहाँ से प्रेरणा मिली, कैसे आपके दिमाग में आए? सर, हम लॉकडाउन से इसकी तैयारी कर रहे थे, 2 साल से तैयारी करने के बाद आज हमें मौका मिला कि हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों तक को जानकारी दें, उनको बताएं। हमने ये प्लेटफार्म इस तरह से तैयार किया है जो कि साइकोलॉजी के हिसाब से तैयार किया है कि व्यक्ति कोई भी किसी न किसी रूम में किसी न किसी चीज़ का हैबिचुअल होता है, वो गलत हैबिट भी होती है और सही भी हो सकती है। हमने जो है ना अच्छी हैबिट पड़ जाए, जब अच्छी हैबिट पढ़ाएगी पड़ जाएगी तो विद्यार्थी कुछ भी कर जाएगा। उसी बेस पे, उसी साइकोलॉजी के हिसाब से हमने ये कंसेप्ट तैयार किया है। इसमें क्या हमने तैयार किया कि वीडियो देखने के पैसे मिलते हैं, बच्चा जितने भी टेस्ट देगा उसके भी पैसे मिलते हैं, बच्चा होमवर्क सबमिशन करेगा उसके पैसे मिलते हैं। यानी कि हमने क्या दे रखा कि पॉइंट जनरेट कर रखे हैं, उस पॉइंट का मतलब पैसे होते हैं, उस पैसे को कोई भी व्यक्ति या स्टूडेंट्स जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता है या फिर उससे कुछ न कुछ हमारे पोर्टल पर शॉपिंग कर सकता है या उसको किसी न किसी हमारे पोर्टल पे यूज कर सकता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल में यूज कर सकता है, वो अपना फ़ोन का रिचार्ज कर सकता है, डिश रिचार्ज कर सकता है, इंश्योरेंस कर सकता है। यानी कि हमने जो ना एक तरह से अगर देखा जाए तो ये फ्री में है, जैसे हम जितने का पैकेज है हम उतने के इनको कैश बैक दे देते हैं और प्लस में 5,000 रुपये का यानी हम डिस्काउंट पॉइंट भी दे देते हैं ताकि बच्चा उसको यूज कर सके। और साइकोलॉजी के हिसाब से हम देखें, अगर बच्चा मान लीजिए जब पढ़ाई करेगा और वो पढ़ाई का हैबिचुअल हो जाएगा तो उसके जो पॉइंट अर्न होंगे, बच्चा पॉइंट अर्न करने के चक्कर में पढ़ेगा और पॉइंट अर्न करने के चक्कर में जो है कुछ न कुछ वो टेस्ट देगा। और इसमें हमने जैसे स्पिन व्हील भी दे रखा है, उसको लगेगा भाई स्पिन व्हील करेंगे कुछ न कुछ उसके पैसे निकल आए। तो कुल मिला के कंसेप्ट इस तरह से तैयार किया है कि जो बच्चा मान लीजिए किसी के घर में फीस देने की प्रॉब्लम है तो वो इसी प्लेटफार्म से अपनी फीस भी निकाल सकता है और स्कॉलरशिप भी ले सकता है। तो इस कंसेप्ट को तैयार करने में लगभग हमारा 2 साल लगा और ये अब तैयार है लोगों के लिए। हम इस पर काफ़ी सारी टेक्निक डाल रहे हैं, जैसे मेमोरी की टेक्निक है, वैदिक मैथ है और गेम में बच्चा बहुत सारे चीज़ें सीखे, इस तरह की टेक्निक इस पर हम अवेलेबल करवा रहे हैं। सवाल फिर वही है कि आप पहले शिक्षा तो पहले भी दे रहे थे आप, लेकिन ये कॉन्सेप्ट की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको, कैसे मिली? सर, लॉकडाउन के दौरान जो बंद था तो उसमें जब हम एजुकेशन की बात चलती थी तो बहुत सारी परेशानियों का हमने मुकाबला करना पड़ा। हम बच्चों तक जो है एजुकेशन नहीं पहुँचा पा रहे थे क्योंकि कोरोना काल में जो है सब कुछ बंद हो गया था। तो उन प्रॉब्लमों को देखते हुए हमारे मन में आया कि कोई क्यों ना ऐसा कंसेप्ट बनाया जाए जिसमें बच्चा घर बैठ करके पढ़ाई कर सके, अपना खर्चा बचा सके। और जो आजकल का जो जमाना है वो टेक्नोलॉजी का ज़माना है,
तो उसी टेक्नोलॉजी को, उसी टेक्निक को यूज करते हुए हम इसमें कंसेप्ट में आगे बढ़ रहे हैं। मैडम ये जो कॉन्सेप्ट है, जो ये ऑनलाइन जो चला है लॉकडाउन के बाद ही ज़्यादातर इसका फेमस हुआ है, ऑनलाइन बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन इससे कई बार हमें देखने को मिला है कि ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर जो पढ़ाई हो रही है उससे बच्चे जो है वो ठीक से डेवलप नहीं हो रहे, वो कुछ और चीज़ें देखते हैं, तो ऐसे में आपका ये कॉन्सेप्ट कहाँ तक ठीक रहेगा? सर इसी कॉन्सेप्ट को लेके ही हम आप लोगों के बीच में आए हैं कि ताकि बच्चा जो एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं उनसे हट जाए और अब बच्चा अपनी पढ़ाई में इंटरेस्ट ले सके। फिर तो इस जो पूरे प्रोजेक्ट को जो तैयार करने में विनय मिश्रा जी का भी बहुत, क्योंकि टेक्निकल व्यू से इनका काफ़ी रोल बताया जा रहा है, तो मिश्रा जी आपसे जानना चाहेंगे इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में किन किन कठिनाइयों का, किन किन आपको सामना करना पड़ा? सर बेसिकली क्या होता है कि किसी भी चीज़ को बनाना मुश्किल नहीं होता, लेकिन उनके साथ जो कोऑपरेशन होती है और जो लक्ष्य होता है, लक्ष्य को पाने के लिए मुश्किल को देखा नहीं जाता और बिना मुश्किल को देखे हुए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो चलना, एक लक्ष्य जब तक ना मिले तब तक चलते रहना, और उसमें जो सपोर्टिव होते हैं सबसे मुख्य भूमिका उनका होता है, और जो सपोर्ट आज हमें सर के हल मीन्स अंडर रहते हुए मिल रहा है वो शायद हमें कहीं नहीं मिलेगा, और ये मिलने से हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश भी हैं कि आज हमारा प्रोजेक्ट इस लेवल पे है कि यहाँ से एक बच्चा अपना लाइफ को सेटल कर सकता, कुछ अच्छा बन सकता, उनके पेरेंट्स को भी एक सोर्स आ सकता जिसको तैयार करने के लिए सर अपना हर टाइम भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं हर कुछ लगा रहे हैं, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये वर्ल्ड का नंबर वन कंसेप्ट बने, इसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे जब तक ये बनता नहीं। इसी कोर टीम के सदस्य भी हमारे साथ हैं गोविंद वर्मा जी, इनका भी काफ़ी सहयोग इसमें रहा है। गोविंद जी आप कितना मानते हैं कि आज के इस महंगाई के दौर में जिस तरह शिक्षा को एक तरह से फ्री कर दिया है, तो ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है, कितना कहाँ तक जा सकता है, क्या इसको एक्सेप्ट करेंगे? या 100% करेंगे सर, क्योंकि देखो 2500 रुपये सिर्फ 2500 रुपये में मात्र, वो भी शिक्षा के लिए नहीं है, समझिए आप कि उसमें कूपन और ये बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, सर ने अभी बताया जैसा, तो 2500 रुपये में तो मैं ये कहता हूँ कि भाई एक छोटा सा जो रेडी लगाने वाला है उसका बच्चा भी एजुकेटेड हो करके वो भी एक अच्छे मुकाम हासिल कर सकता है इस ऐप से। सर आप भी इस कॉन्सेप्ट के साथ चल रहे हैं, तो आपको कितनी समझाने में लोगों को कितना दिक्कत आ रही है या आसानी से समझ रहे हैं लोग? सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा डॉक्टर देवेंद्र सर का, जिनकी वजह से हमें यह कॉन्सेप्ट मिला। सर कॉन्सेप्ट इतना आसान और इतना सीधा सरल है कि इसको समझाने में कोई परेशानी नहीं है, और आज हमारे समाज में बेरोजगारी बहुत पैर पसार रही है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के जरिए हम उस बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं, तो मैं फिर से थैंक्स बोलना चाहूँगा डॉक्टर देवेंद्र सर का। तो आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और ये इससे भी आप भी पैसा कमा सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ करके? चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। विनोद लाहौट, इंडिया की दहाड़, समालखा।